देखो जिवें सारे जानते हैं कि देश दे विच मोदी ते अमित शाह की सरकार ने जो एक डिक्टेटोरियल रवैया अपनाया है कि देश दे विच संविधान ते कानून दीआं धज्जियां उड़ा के जिस तरीके दे नाल उन्होंने श्री राहुल गांधी जी की मैंबरशिप जिहड़ी है रद्द कीती है, एक झूठा मानहानि का परचा जिहड़ा सीगा जिहड़ा एक केस दर्ज करवा के और उन्हों जिस तरीके दे नाल बड़े शॉर्ट पीरियड दे विच छोटियां छोटियां तरीकां पवा के जज दे कोलों जिहड़ी वध तों वध सज़ा सीगी 2 साल की वह करवाउण करवाई गई है और उस तों बाद उन्हां दी 24 घंटे दे विच मैंबरशिप जिहड़ी है वह रद्द कर दित्ती जांदी है। यह लोकतांत्रिक और संविधानक कदरां कीमतां दा बहुत वड्डा कहान है और इस देश की आजादी जिहड़ी कि बड़िया शहादतां दे के लई सी साडे पूर्वजां ने उन्हों खत्म करन करके एक डिक्टेटरशिप और अनअलानी एमरजेंसी जिहड़ी है वह देश दे विच लागू करन दा मोदी ते अमित शाह ने जिहड़ा एजेंडा तैयार किया है और राहुल गांधी जी की मैंबरशिप रद्द करके यह सुनेहा दिता देश के समुचे लोगों नू पार्टियां नू प्रेस नू जुडिशरी नू हर एक व्यक्ति नू कि ये सब तो वड्डी अपोजिशन पार्टी के सब तो वड्डे लीडर नाल जे असीं ये कर सकते हैं तो फिर तुसीं किहड़े भाग मतलब किहड़े किहड़े भाग की मूली हो। देखो जिहड़ा पार्टी का फैसला आ पार्टी ने इहदे खिलाफ एक देश व्यापी सत्याग्रह शुरू किया और इस देश व्यापी सत्याग्रह दे विच जिथे पहला एक दिन 10 बजे तो लैके 5 बजे तक पूरे देश दे विच जिला वाइज धरने हुए और उस तो बाद हुण 1 तरीक तो लैके 8 तरीक तक लोगों के एक जागरूकता अभियान सत्याग्रह के रूप के लोगों के घर घर जाके नुक्कड़ मीटिंगा करके छोटिया छोटिया मीटिंगा करके लोगों नू जागरूक किया जाऊगा कि जिहड़ा देश की आजादी और देश के संविधानक कदरां कीमतां के उत्ते जिहड़ा ये डाका आया और जिस तरीके दे नाल संविधान ते कानून दीआं धज्जियां उड़ाईआं जा रहीआं ने ये देश चाइना मॉडल वाले पासे नू जा रहा है और जिहदे ते पूरा देश दे विच हाहाकार है पूरे वर्ल्ड दे विच अज इस गल नू लैके चर्चा आ नखेती की जा रही है और साढ़े इस आजादी के दिते हुए जिहड़े साढ़े घलाटीए सी उन्हां दा दित्ती हुई आजादी जिहड़ी आ उहनू बचाउण लई और आउण वालीआं पीढ़ियां दे लई आजादी बरकरार रहे उहदे वास्ते इह 1 तरीक तो 8 तरीक तक जागरूकता अभियान है और उस तो बाद इह सत्याग्रह दा जिहड़ा दूसरा रूप हैगा आ थां थां ते मशाल मार्च किए जा रहे ने। कल अमृतसर विच सीगा हुण अज किसी होर शहर होगा किसी दिन मोहाली दे विच वी होगा। इसे तरीके दे नाल इह जिहड़ा हैगा आ इस इह जिहड़ियां संविधान मारू शक्तियां ने इहनां नू जिथे नंगा किया जाऊगा इन्हां दी सोच नू नंगा किया जाऊगा उहदे नाल नाल इन्हां दे इस काम नू जिहड़ा इन्हां ने इह रंभिया आ इहनू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाऊगा और डट के इहदा मुकाबला किया जाऊगा। इन्हां नू अंग्रेजां नालों भी वध विरोध का सामना करना पड़ेगा। सर बीते दिन राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा कढ़ी गई सी उहदा नतीजा इह निकला कि तुहाडी हिमाचल कांग्रेस सरकार बन गई कि तुहानूं लगदा कि इस तों डर के जिहड़ा एक्शन लिया गया है। देखो जिहड़ा राहुल गांधी जी ने सवाल खड़े किए जिहड़े सवाल खड़े किए पार्लीमेंट दे विच प्रधानमंत्री मोदी दे अगे उन्होंने पुछया कि तुहाडा अडानी दे नाल की संबंध है जिहड़ा अडानी दे कोले विदेशों तो 20,000 करोड़ रुपया आया आ जिहदा कोई हिसाब किताब नहीं गा झूठिया कंपनियां दे शैल कंपनियां दे द्वारा वह पैसा किहदा आया कित्थों आया आ दस्या जाए अडानी नू क्यों मोदी नाल लैके सारे देशों के जाता कभी श्रीलंका के प्रेजिडेंट नू कहा जाता है कभी आस्ट्रेलिया वाले नू कहा जाता है कभी सऊदी वाले नू कहा जाता है कभी किसी होर कंट्री नू कहा जाता है कि सारे बिजनेस इनू दे दिते जान क्यों अज 30% पूरी पूंजी के उत्ते अडानी का कब्जा हो गया जिहड़ा कि जिहड़ा अडानी 2014 तो लैके 9 सालों के अज दुनिया का दूजे नंबर का एक जिहड़ा हैगा आ सब तो अमीर व्यक्ति हो गया की अडानी तो अडानी अगे एक चेहरा बना के कितने पिछे कितने मोदी तो बीजेपी का नहीं सारा कुछ हैगा ये सवाल जो खड़े किए तो वह इन्हों सवालों तो बखलाए ने बखलाने तो बाद उन्होंने कहा कि एक सब तो वड्डा हथियार जिहड़ा हुंदा है सब तो वड्डा हथियार हुंदा है कि व्यक्ति का भविख खराब कर दो। उन्होंने राहुल गांधी के भविख को खराब करने की कोशिश की है राहुल गांधी ने 2 साल की कैद की मैंबरशिप रद्द की 8 साल तक वो इलेक्शन ना लड़ सके इस तरह के उन्होंने मनसूबे ने ता कि उन्होंने ये लगे कि राहुल गांधी डर जूगा पर राहुल गांधी डरदा नहीं है राहुल गांधी घबरा नहीं है
राहुल गांधी सच से खड़ा है, सच से पहरा देने लिए राहुल गांधी जी ने साफ कह दिता कि मैं कोई कुर्बानी करनी पवे, मैं अपने देश के लिए जिवें मेरे पूर्वजा ने इस देश की राखी की है, इस देश की आजादी की लड़ाई के अपना योगदान पाया आ, और इस दे उस आजादी वालों दिते संविधान के कानून बरकरार रखने मेरा पूरी जिंदगी।